हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर इकोनॉमिक क्लासेस। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन एंड इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस का लास्ट चैप्टर है। आज ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने क्या करना है, इसमें एक्सप्लेन करना है बजट लाइन के साथ और इन डिफरेंस कर्व के साथ। बजट लाइन मैंने आपको कल टॉपिक कराया था, बजट लाइन क्या होती है, जो हम लाइन बनाते हैं, बजट लाइन शिफ्ट भी होती है, रोटेट भी होती है। आई होप आपको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हम आईसी और बजट लाइन का यूज करके कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लेकर आएंगे, ठीक है। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, जब वो बजट लाइन भी बनी होगी हमारी और जब आईसी एनालिसिस भी बना होगा हमारा। देखो यहाँ पर क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलती है, मैक्सिमम क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है आफ्टर स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। अपनी लिमिटेड इनकम स्पेंड करने के बाद जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसके बाद हम लेकर चलेंगे इसकी कुछ एजम्पशन। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा कब होगा, हम आईसी और बजट का यूज करेंगे, हम कुछ मान के चलेंगे, ठीक है। देखो पहले तो जो भी कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे वो कौन से कंज्यूमर होने चाहिए, रैशनल कंज्यूमर। सेकंड आती है हमारी जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमारे प्राइसेस है वो भी क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमें कौन सी यूटिलिटी लेनी है, एज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भी इनडिफरेंस कर्व चैप्टर है तो हम कौन सी यूटिलिटी लेकर चलेंगे, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी होती है, द यूटिलिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट कंज्यूमर इज फुली अवेयर अबाउट द आईसी एंड बजट लाइन। कंज्यूमर क्या होगा, फुली अवेयर होगा, उसे पता होगा आईसी पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी मिलनी है, उसका बजट कितना है, ठीक है। अब देखो हमारी दो कंडीशंस है, इसको डायग्राम के थ्रू बनाने से पहले हम दो कंडीशंस लेकर चलेंगे जिन कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो उस टाइम पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होगा। अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी, आईसी इज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो हमारा आईसी है वो क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। हमें भी पता है आईसी की शेप कैसी होती है, कन्वेक्स होती है। सेकंड है जो बजट लाइन है शुड बी टेंजेंट टू द आईसी। जो बजट लाइन है वो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए आईसी की, यानी कि आईसी को टच करती हुई जानी चाहिए बजट लाइन, ठीक है। यानी कि हमारा जो एमआरएस एक्स और वाई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी इक्वल होना चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई के, यानी कि बजट लाइन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखो ये पी एक्स अपॉन पी वाई ये क्या है, स्लोप है किसका, बजट लाइन का। और ये एमआरएस एक्स और वाई है ये क्या है, स्लोप है किसका, इनडिफरेंस कर्व का, ठीक है। यानी कि जो स्लोप ऑफ आईसी है और जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब हम करते हैं इसका डायग्राम, डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। देखो डायग्राम हम इस तरह बनाएंगे इसका, यहां आएगा हमारा एक्स गुड, यहां पर आएगा वाई गुड, ये हो गई हमारी बजट लाइन, ठीक है। ये हमारी क्या है, बजट लाइन, या हमने बना दिया तीन आईसी बनाए, ये है हमारा आईसी वन, ये है हमारा आईसी टू और ये है हमारा आईसी थ्री। क्लियर है सबको, ठीक है। हमने तीन पॉइंट्स बनाए हैं, यहाँ ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट।
देखो जो अब हम करते हैं एट पॉइंट ए, क्या ए पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी? लेट्स सी द कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, हमारा आईसी है वो क्या होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आईसी हमारा क्या है, कन्वेक्स है, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। सेकेंड कंडीशन क्या है, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द आईसी, बजट लाइन आईसी को टच करती हुई जानी चाहिए, यानी कि जो स्लोप है आईसी का वो स्लोप ऑफ बजट लाइन की क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या हो रही है यहाँ पर, टच करती हुई जा रही है, तो यहाँ पर क्या है, जो एमआरएस एक्स और वाई है इक्वल है पीएक्स अपॉन पीवाई से, तो ए जो पॉइंट है यहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिलेगी, मैक्सिमम क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इस पॉइंट पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा। अब देखते हैं हम एट पॉइंट बी, क्या एट पॉइंट डी पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेंगी या फिर नहीं मिलेगी। देखो हमें पता लग गया है ए पे मिलेगी, बी पे क्यों नहीं मिलेगी। देखो बी पे क्या है, आईसी क्या है, कन्वेक्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। क्या बजट लाइन टच करती हुई जा रही है आईसी को, नहीं जा रही, यानी कि दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और वैसे भी देखो आपके बजट से बाहर आईसी है, यानी कि बजट लाइन के क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, आपका बजट ही नहीं है कि भी आप बी कॉम्बिनेशन को परचेज कर पाओ। नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं सी कॉम्बिनेशन पे, क्या इसको मिलेगी यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखो आईसी कन्वेक्स तो है लेकिन बजट लाइन टेंजेंट नहीं है आईसी के, तो एट पॉइंट सी पे भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो एट पॉइंट ए पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट बोथ दी अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। एट दिस पॉइंट एमआरएस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीवाई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इसको एक्सप्लेन करना है। और इसका अनदर नेम भी है, ये क्वेश्चन हमारा हिक्सन एनालिसिस के नाम से भी आ जाता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हिक्सन एनालिसिस, तो आपको वही बजट लाइन आईसी एनालिसिस का यूज करके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, ये हमें एक्सप्लेन करना है, अगर हिक्सन एनालिसिस आ जाता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। अब एक कंडीशन आती है, ये हमारी कंडीशन ये आ जाती है, देखो हमारा एमआरएस एक्स और वाई पीएक्स अपॉन पीवाई के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हमारा जो एमआरएस एक्स और वाई होता है वो ज्यादा होता है पीएक्स अपॉन पीवाई के, और कभी कभार क्या होता है, हमारा जो एमआरएस एक्स और वाई होता है वो कम होता है पीएक्स अपॉन पीवाई के। तो उस टाइम पे हमने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आना है, यानी कि इसको इक्वल करना है। वो इक्वल कैसे होगा, देखो अगर ये सिचुएशन आ जाती है और यही सिचुएशन में आपको ये बोला जाता है कि भी इक्वल लेकर आओ, ठीक है। कैसे इक्वल लेकर आना है, यहां पर वो एक्स की कंजम्पशन हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखो जब एक्स कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो वाई कमोडिटी की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे कि आपने आईसी के शेड्यूल में बनाया था, एक्स की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही थी तो वाई की क्या हो रही थी, कम हो रही थी, जिससे एमआरएस क्या होता चला जा रहा था, कम होता चला जा रहा था। यहाँ पर एमआरएस क्या है, ज्यादा है ना, अगर हम एक्स की कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो एमआरएस एक्स और वाई क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और वो तब तक हम करते रहेंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा नहीं पहुंच जाता। इसी तरह अगर आपकी सिचुएशन आती है एमआरएस एक्स और वाई इज लेस देन पीएक्स अपॉन पीवाई, इसको हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेकर आना है। अब ये क्या है, कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एक्स की कंजम्पशन है यहाँ पर हम कम कर देंगे, जिससे एमआरएस एक्स और वाई क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और वो तब तक होता जाएगा जब तक ये दोनों इक्वल पॉइंट पे नहीं आ जाते। तो ये था आपका चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कल हम जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं इसके क्वेश्चंस करेंगे, कुछ किस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।